हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। कई बीमारी से निजात दिलाता है ये पत्थर चट्टा का पौधा, तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही आयुर्वेदिक जादुई ये पत्ता होता है। तो आज मैं आपको इसके फ़ायदे और इसके नुकसान सब चीज़ बताऊँगी। तो ये बहुत ही आसानी से आप इसे गमले में या कैसे भी उगा सकते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए, मैंने इसे छोटे छोटे गमलों में इस तरह से उगा लिया है और बहुत ही बिना किसी मेहनत के ये औषधि गुण आराम से उग जाता है और किडनी स्टोन के साथ ये कई बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आप इसे साधारण पत्ता मत समझिए, ये बहुत औषधि गुणों से भरपूर होता है। तो ये इसके पत्ते देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से, जब ये मिट्टी में ऐसे घूम के आ जाते हैं तो भी ये देखिए, ये इस तरह से इसकी जड़ें उग जाती हैं। तो मैंने दिखाया कि पत्ते से ही ये इसके पौधे उगते हैं। तो अगर आप इसकी दो पत्तियां खा रहे हैं तो भयंकर से भयंकर बीमारी आपकी ठीक हो जाती है। तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये पत्थर चट्टा का पौधा और बहुत ही आसानी से ये उग जाता है। तो आज मैं इसके फ़ायदे, नुकसान, कितने दिन खाना चाहिए और इसका तासीर गर्म है, तो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो पत्थर चट्टा के आपको पहचान भी बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारे पत्थर चट्टे के पत्ते को इस तरह से तोड़ लिया है और ये देखिए, मैंने सारे पत्थर चट्टे के पत्ते को इस तरह से, जो बड़े पत्ते हैं, मीडियम पत्ते हैं, उसे हम तोड़ लेंगे। तो ये पथरी के लिए तो रामबाण है, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि ये कई बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। तो अक्सर लोग पत्थर चट्टा को सोचते हैं कि यह औषधि गुणों से भरपूर है और ये पथरी के लिए ही लाभकारी है, लेकिन ये कई बीमारियों से निजात दिलाता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ये देखिए, ये जो पत्थर चट्टा का पत्ता होता है, तो अगर आपको इसको उगाना है तो आप इस पत्ते को ले लीजिए और थोड़ा सा मिट्टी खोद के आप इसको तिरछा गाड़ दीजिए, तो बहुत जल्दी ये अंकुरित हो जाती है और बहुत ही आसानी से इससे पौधे उग जाते हैं। पत्थर चट्टा के जो पत्ते होते हैं, मैंने बताया कि बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आपके पेट में दर्द हो तो या किसी तरह की जलन हो, तो ये पत्थर चट्टा का जो पत्ता होता है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, या बवासीर के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। मूत्र रोग की कोई समस्या हो तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है, और अक्सर लोगों के सर दर्द होते हैं तो उसके लिए भी रामबाण होता है कि आप इसको पीस के इसका लेप लगा लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसका मैं कुछ इस्तेमाल बता रही हूँ। पत्ते को आपको धो लेना है, तो ये देखिए इस तरह से 2 से 3 पानी पत्थर चट्टा के पत्ते को बहुत ही अच्छे से आप धो लीजिए। तो ये देखिए, बस इस तरह से पत्थर चट्टा के पत्ते को धो लिया है और हमको सीजर की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो ये देखिए, मैं इस तरह से पत्थर चट्टा के पत्ते को कट कर लूँगी। तो इस तरह से आप सारे पत्ते को कट कर लीजिए। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये पत्थर चट्टा का उपयोग कर रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श ले लें, क्योंकि पत्थर चट्टा का प्रयोग जो बहुत अधिक समय तक नहीं किया जा सकता है, और गर्भवती स्त्रियों को तो बिल्कुल भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, इसको हम मिक्सर के जार में डाल देंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये इस तरह से हम इसका पेस्ट बना लिए हैं और अब हम इसके रस को निकाल लेंगे। तो देखिए, इस तरह से पेस्ट बना लिए हैं और इसके हम रस को निकाल ले रहे हैं। पत्थर चट्टा का जो रस है वो पथरी के लिए तो लाभकारी है, लेकिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और त्वचा से संबंधित कोई परेशानी है तो उसके लिए भी काफ़ी लाभकारी होता है, या कोई संक्रमण फैला हो तो पत्थर चट्टा का पत्ते में औषधि गुण होता है तो बहुत ही लाभकारी होता है। तो बस देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि कितने दिन पीना चाहिए। तो आप इसे 4 से 5 दिन के बाद आप इसे ज़्यादा ना पिए। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से रस निकाल लिया है और अब हम इसे ग्लास में डाल देंगे और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो देखिए, मैंने इसको ग्लास में डाल दिया है और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसके 2 से 3 पत्ते जो हैं, लाखों बीमारियों पर खर्च होने वाले जो बिल होता है उसको कम करता है। तो बहुत ही हेल्दी और औषधि गुणों से भरपूर ये पत्थर चट्टा का पौधा होता है और बहुत ही लाभकारी होता है। तो मैंने इसके कई फ़ायदे बताए हैं। तो पत्थर चट्टा का फेमस नाम
पत्थर, पहले पत्थर चट्टा है और इसके कई नाम हैं, तो इसे एयर प्लांट और वेल्स लाइफ प्लांट, ये मैजिक लीफ के नाम से भी जाना जाता है, तो या भीष्म पत्थरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही औषधि गुण वाले होते हैं और इसका जो स्वाद होता है खट्टा और नमकीन होता है। तो ये आप, अगर आप इस तरह से जूस नहीं पीना चाहते हैं तो दो पत्ती आप इस तरह से धो लीजिए, और ये खट्टी नमकीन होती है। पत्थर चट्टा के जो पत्ती होती है पेट दर्द, किस कैसी भी पेट में दर्द हो उसको ख़त्म कर देता है। बहुत ही औषधि गुणों वाला ये पत्थर चट्टा का पत्ता होता है। तो ये देखिए, जो इसके ये जो पेस्ट है इसे आप फेंकिए मत। तो इस पेस्ट को आप सोचेंगे किसी यूज में, या तो आप इसकी चटनी बना के खा लीजिए, नहीं तो अगर आपके कोई भी त्वचा में खुजली की समस्या हो या कुछ भी हो तो आप इसे लगा सकते हैं। तो पेट दर्द के लिए काफ़ी रामबाण है। तो सबसे पहले देखिए इसको किस तरह से लगाना है। अगर आपके शरीर में, स्किन में किसी भी तरह की खुजली हो तो आप इस तरह से बस इसके रस को ऐसे लगा लीजिए। आप इसे आधे घंटे के लिए या 40 से 45 मिनट के लिए ऐसे लगे रहने दीजिए, उसके बाद आप इसे ठंडे पानी से धो लीजिएगा। तो बस देखिए बहुत ही अच्छे से आप इसे लगा लीजिए। अगर आपके सर में दर्द हो तो भी आप इस तरह से लेप लगा लीजिए, और इसके बाद आप 30 मिनट के बाद अच्छे से सर को धो लीजिए, तो आपके सर का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। और अब हम दूसरा उपाय आपको बताएंगे। तो दूसरा उपाय, अगर आपकी हड्डियों में कहीं भी जैसे सूजन हो, दर्द हो, तो आप सबसे पहले क्या करिए, जिस जगह आपको दर्द या सूजन, ये देखिए हाथ की कलाई में सूजन में, मतलब हाथ की कलाई में दर्द है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके पत्ते को ले लेंगे और हल्का गरम, गुनगुना गरम सरसों का तेल लगा लेंगे पत्ते के ऊपर। तो देखिए मैंने यहाँ पर हल्का गुनगुना गरम तेल लिया है और इसे पत्ते के ऊपर हल्का सा लगा लेना है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये जो तेल होना चाहिए हल्का गुनगुना गरम होना चाहिए, और बस आप तुरंत ही ऐसे कलाई पर जहाँ दर्द हो वहाँ पर ऐसे लगा लीजिए। जहाँ भी सूजन में, पैरों में भी हो तो आप पैरों में भी लगा सकते हैं। तो बस इस तरह से देखिए हाथों में लगा के उसके ऊपर हम कपड़ा लपेट लेंगे। तो ये देखिए ये बहुत ही देसी उपाय है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और कहीं भी हड्डियों में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यूज़ करिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचेगा, और तुरंत ही आपको कपड़ा लपेट लेना है। तो बस इस तरह से आपके कहीं भी हड्डियों में दर्द हो, सूजन हो, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो बस देखिए, और अब आगे के प्रोसेस में यहाँ पर हम एक और इसका उपाय बताएंगे। तो ये मैंने बताया कि औषधि गुण वाला है, तो इसकी सब्जियाँ भी बनती, तो इसकी जो सब्जियाँ हैं मूत्र विकारों में के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, बीपी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, तो फूड़ी फुंसियों से निजात दिलाती है और ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करती है। तो बहुत ही अद्भुत फ़ायदा होता है, और यहाँ तक कि औरतों को लीक्वेरिया में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आप इस तरह से पत्थर चट्टा के पत्ते का सब्जी बनाइए तो काफ़ी फायदेमंद होता है, या यौन से संबंधित कई रोगों में लाभ होता है। लेकिन जब भी आप ये यूज़ करें तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो अब मैं बताऊंगी इसकी तासीर। इसकी तासीर न गर्म होती है न ठंडी होती है, ये सामान्य होती है, तो आप इसे किसी भी मौसम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये अद्भुत गुणों से भरपूर होता है पत्थर चट्टा का पत्ता। आपको सीखना है पत्थर चट्टे की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।